Charu Asopa and you're watching me on Enlightened India Magazine. So, मेरे पास कुछ questions हैं तो मैं उनके answers करने वाली हूँ. My first question is, who is Charu Asopa? Well, Charu Asopa is a simple girl who takes life as it comes to you. I mean, as it comes to me. And मैं ज़्यादा लंबा कुछ plan नहीं करती हूँ, ज़्यादा लंबी planning नहीं करती हूँ क्योंकि प्लानिंग वो करता है. सो मेरे जो भी अगर मैंने गलती से कुछ प्लान कर लिया है तो वो सब फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसकी प्लानिंग कुछ और होती है. सो या और मैं छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती हूँ, छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे खुश हो जाती हूँ. या थैंक यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फैमिली. टेल अस अबाउट योर फैमिली. सो माई फैमिली, my mom, she's now retired, but she was an announcer in All India Radio. And my father, he was a government employee, now he's also retired. So he was accounts officer in collectorate. My brother and sister, they are twins and younger to me. Both of them are engineers. My childhood बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हैप्पी था. मेरे चाइल्डहुड में जब मैं बचपन में हम जब उठते थे तो आँख खोलते ही मुझे श्लोक्स और भजन चल रहे होते थे क्योंकि मैं बीकानेर से हूँ. राजस्थान में एक जगह है बीकानेर जिसका दूसरा नाम है छोटी काशी, जो अपने आप में ही जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत रिलीजियस जगह है. हमारे घर के आसपास बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे तो हर वक्त भजन और श्लोक चलते ही रहते थे. तो मेरा बचपन बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही स्पिरिचुअल बीता है. और मेरे घर में मेरी दादी हर वक्त भजन गाते रहती थी, हम लोगों को भजन सिखाते रहती थी. जितने भी माइथोलॉजिकल हमारे चीज़ें हैं, रामायण, महाभारत, वो सब मैंने अपनी दादी से सीखा है. और हनुमान चालीसा और काफ़ी पूजा पाठ होता रहा है हमारे घर में. तो मैं बहुत ही एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा बचपन भी बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलीजियस बीता है. और ऑफ कोर्स आई यू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, ऑफ कोर्स आई एम. मैं अब भी कोशिश करती हूँ कि एवरी मंडे शिव जी के मंदिर जाऊँ और अभिषेक करूँ, पर कभी कभी नहीं हो पाता, देन इट्स फाइन. बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर मंडे जाऊँ और मैं रोज़ शूट पे आने से पहले हनुमान चालीसा करती हूँ और घर पे पूजा वूजा करके फिर शूट पे आती हूँ. सो या फैमिली, वॉज योर फैमिली ऑलवेज सपोर्टिव टू यू बींग एन एक्ट्रेस? ऑफ कोर्स. मेरे पापा, जब मैंने उनको बताया कि मैं पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और मैंने उनको बोला कि पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो ही वॉज लाइक, उस टाइम मैं मिस राजस्थान बनी थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि एक डिग्री, एक बैकअप आपके पास होना चाहिए. दैट वॉज हिज कंसर्न एंड आई थिंक वो सही थे अपनी जगह पे. तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के, अपना मैथ्स का बैकग्राउंड था मेरा पूरा, वो सब छोड़ के मैंने बी कॉम किया क्योंकि इंजीनियरिंग में 4 साल जा रहे थे और बी कॉम में 3 साल जा रहे थे. तो आई वॉज लाइक कि मैं बी कॉम करती हूँ, जबकि जो कि मेरे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. फिर मैंने वो कम्प्लीट किया पासिंग मार्क्स से. और उसके बाद जिस दिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, मैंने पापा को बोला, पापा मुझे आप टिकट ला के दो मुंबई का, उसके बाद ही मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी. तो हाँ, मेरे टिकट्स बुक किए और फिर मैं अपना लास्ट एग्ज़ाम दे के आई. फिर मैं और इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, हम लोग साथ में फ़र्स्ट टाइम मुंबई आए थे. आई स्टिल रिमेंबर, हम चरनी रोड पे, देर वॉज दिस होटल, वहाँ पे हम सब लोग, पांचों लोग वहाँ पे रुके थे और हम लोग साथ में मेरे लिए घर ढूंढते थे और कैसे क्या स्टार्ट करना, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता था. सो हम लोग साथ में मिलके, पापा ने मेरे लिए एक्टिंग स्कूल ढूंढा, किशोर अमित कपूर, वहाँ से मैंने अपना एक्टिंग स्कूल किया. उसके बाद में जहाँ पे मैं मलाड में, मेरा फर्स्ट घर था, मैं मलाड में रहती थी. आई एम गेटिंग गूज़बम्स जब मैं सब याद कर रही हूँ तो. और या मैंने वहाँ, इस तरह मैंने स्टार्ट किया. उसके बाद मैं धीरे धीरे, मम्मा मेरे साथ रहती थी, पापा वहाँ पे रहते थे और मेरे भाई बहन वहाँ पे स्टडी करते थे. उसके बाद मेरी मॉम भी फिर कभी जाती कभी आती, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ के देखती कि मैं रह सकती हूँ कि नहीं. अब नाउ शी इज़
मतलब शी नोज दैट आई कैन लिव अलोन. विच कैरेक्टर चेंज योर लाइफ द मोस्ट? वैसे तो मेरे सारे कैरेक्टर्स, मैंने जो भी आज तक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो सब दे आर क्लोज टू माई हार्ट. चाहे वो दिया बाती की रोमा रेड्डी हो या फिर मेरे अन्ने में की प्रीति हो या मैं जो अभी प्ले कर रही हूँ. लेकिन आई थिंक दिया बाती की रोमा रेड्डी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इनफैक्ट प्रीति ऑल्सो, बिकॉज प्रीति की भी एक पूरी जर्नी उन्होंने दिखाई है, एक बहुत ही डरी हुई लड़की से लेके वो कैसे एक कॉन्फिडेंट लड़की बन जाती है लास्ट तक, वो पूरी जर्नी है. हाँ, सो आई थिंक प्रीति इज रियली क्लोज टू माई हार्ट. सॉन्ग, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है. जब जब देखूं मैं ये चांद सितारे, ऐसा लगता है जैसे लाज के मारे, जैसे कोई डोली, जैसे बारात है, जाने क्या बात है. थैंक यू. ओके, हाई एंड लो पॉइंट्स ऑफ लाइफ, ये तो उतार चढ़ाव तो आपकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है. कभी किसी पॉइंट पे आप बहुत अच्छा फील करते हो, किसी पॉइंट पे आप बहुत लो फील करते हो. सो ये दिस इज़ आई थिंक मेरे साथ तो बहुत वैसे होता है, एक पॉइंट अच्छा होता है, एक पॉइंट एकदम नीचे होता है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा ही चलता आया है. सो ये मैं एक बता नहीं पाऊँगी. एनी वे, बिगेस्ट रिस्क एवर टेकन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क. आप कुछ भी करने जाओगे तो आप, देयर इज़ अ रिस्क. आप एक कदम अगर आगे भी रखने वाले हो तो उसमें भी रिस्क है कि यू नो, यू नेवर नो. सो लाइफ इज रिस्क. योर इंस्पिरेशन, माई इंस्पिरेशन, माई मदर, शी इज़ माई शीरो. आई मीन वो एक टाइम पे जॉब कर रही थी, साथ में हम तीन बच्चों को संभाल रही थी, और आई मीन शी इज़ माई शीरो. मैं अभी सब कुछ खुल के नहीं बता सकती हूँ, बट उन्होंने लाइफ में, शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई एवर कम अक्रॉस. या फेवरेट मूवी बहुत सारी हैं. रंग दे बसंती इज़ माई मोस्ट फेवरेट. एंड आई थिंक आमिर खान की सारी फिल्म्स मुझे बहुत पसंद आती हैं. ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और पीके, अभी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो मुझे पसंद हैं. फेवरेट एक्टर, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत. काफ़ी बोल दिया. वन सीक्रेट है ना, कैसे बताऊँ. वैसे मैं आई एम ओपन बुक, वैसे तो देर इज़ नो सीक्रेट. मेरे पेट में कुछ पचता ही नहीं है, मुझे किसी ना किसी को बताना होता. अगर कोई चीज़ है, किसी ने मुझे बोल दिया ये बात किसी को मत बताना, तो मुझे पेट में दर्द शुरू है, मैं उसको पहले ही बोलती हूँ अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे मत बताना, मुझे मत बताना. या अमेजिंग. अभी मैंने बहुत सारे मैगजीन्स देखे जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स आई मीन कवर पेज पे थे, एंड मैं इमेजिन कर रही थी मेरा कवर पेज. सो या आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. अमेजिंग. आप लोगों से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आपने मुझे जो कुछ भी बताया, आपकी मैगजीन के अंदर मैंने जो कुछ भी देखा, जिस तरह से इट्स सो इनोवेटिव, so it's amazing. I'm so excited about my cover page. मेरे फैंस के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. आपने मेरे हर किरदार को बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए.
और यूथ को मैं कहना चाहती हूँ कि एक ना एक दिन पालेंगे मंजिल, ठोकर जहर तो नहीं यारो कि खाकर मर जाएंगे, आगे बढ़ते रहो, प्रॉब्लम्स आएंगी फेस करते रहो, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क करना ही पड़ता है, सो इसको इन्जॉय करके करो, जर्नी इन्जॉय करो, मंजिल को इन्जॉय करने के लिए कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग, अगर आप एक बार पहुंच गए तो फिर पहुंच गए, जर्नी तो इन्जॉय करनी है, और एंड स्माइल बिकॉज इट नेवर हर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एनलाइटन इंडिया मैगजीन।